वेलकम टू कोडिंग विद क्लिक्स। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स के इस कोर्स में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बबल सॉर्ट को, कि बबल सॉर्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम क्या होता है और ये एल्गोरिदम किस तरह से वर्क करता है। तो अगर आप डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स का कंप्लीट कोर्स सीखना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सॉर्टिंग क्या है और डेटा स्ट्रक्चर्स में सॉर्टिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। तो अगर आपने इससे पहले वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में है। बबल सॉर्ट में हम कंपेयर करते हैं टू एडजेसेंट एलिमेंट्स को और उन्हें स्वैप कर देते हैं अगर वो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है। तो देखते हैं कि बबल सॉर्टिंग का एल्गोरिदम क्या है और ये एल्गोरिदम किस तरह से वर्क करता है। लेट्स सपोज हमने एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो उसके लिए बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम क्या होगा। कंपेयर द फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट। सबसे पहले हम फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। अगर फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर देन है सेकंड एलिमेंट से तो हम उन्हें स्वैप कर देंगे। इसके बाद हम कंपेयर करेंगे सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट को और उन्हें भी स्वैप कर देंगे अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। और इस प्रोसेस को हम रिपीट करते हैं रे के लास्ट एलिमेंट तक। तो हमारे पास ये एक रे है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं और ये एलिमेंट्स हैं जंबल्ड ऑर्डर में। हमने इन एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो इस रे को सॉर्ट करने के लिए हम इस एल्गोरिदम के स्टेप्स को फॉलो करेंगे। एल्गोरिदम का स्टेप 1 है कंपेयर द फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट। अरे का फर्स्ट एलिमेंट है 9 और सेकंड एलिमेंट है 4। 9 इज ग्रेटर देन 4 तो इन्हें स्वैप कर देंगे। नेक्स्ट कंपेयर करेंगे सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट को। 9 इज ग्रेटर देन 7 इन्हें भी स्वैप कर देंगे। इसके बाद कंपेयर करेंगे थर्ड एंड फोर्थ एलिमेंट को। 9 इज ग्रेटर देन 1 तो इन एलिमेंट्स को भी स्वैप कर देंगे। देन इसके बाद कंपेयर करेंगे फोर्थ एंड फिफ्थ एलिमेंट को। 9 इज ग्रेटर देन 5 तो ये एलिमेंट्स भी स्वैप हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट आइट्रेशन थी और इस रे को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमें इस रे पे मल्टीपल आइट्रेशन परफॉर्म करनी होंगी और हर आइट्रेशन में हम इस एल्गोरिदम के स्टेप्स को फॉलो करेंगे जिसमें हम फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं और एंड तक रे के एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए भी सेम यही एल्गोरिदम है, बस डिफरेंस इतना है कि हमने एलिमेंट्स को स्वैप तब करना है कि अगर फर्स्ट एलिमेंट लेस देन है सेकंड एलिमेंट से। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम रे पे आइट्रेशन परफॉर्म करेंगे, आइट्रेशन परफॉर्म करने के बाद अरे के अनसॉर्टेड एलिमेंट्स में से लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर अरे के एंड पे प्लेस हो जाएगा, यानी अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं तो लार्जेस्ट नंबर और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं तो स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहाँ आप देखें कि अभी हमने इस रे पे एक आइट्रेशन परफॉर्म की है और आइट्रेशन परफॉर्म करने के बाद इस अनसॉर्टेड रे में से 9 जो कि लार्जेस्ट नंबर है अरे के एंड पे प्लेस हो गया, यानी अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गया है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर के लिए 9 को इस रे के एंड में होना चाहिए। तो इट मींस कि जब भी हम रे पे एक आइट्रेशन परफॉर्म करेंगे तो आइट्रेशन परफॉर्म करने के बाद रे में से एक एलिमेंट अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा। तो फर्स्ट आइट्रेशन में तो हमने फर्स्ट एलिमेंट से फिफ्थ एलिमेंट तक रे के तमाम एलिमेंट्स को कंपेयर किया, लेकिन फर्स्ट आइट्रेशन परफॉर्म करने के बाद क्योंकि फिफ्थ एलिमेंट अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गया है तो सेकंड आइट्रेशन में हम फर्स्ट एलिमेंट से फोर्थ एलिमेंट तक कंपेयर करेंगे, फिफ्थ एलिमेंट को कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो सेकंड आइट्रेशन में अगेन सबसे पहले फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, 4 इज लेस देन 7 तो ये स्वैप नहीं होंगे। नेक्स्ट सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, 7 इज ग्रेटर देन 1 तो इन्हें स्वैप कर देंगे। इसके बाद थर्ड एंड फोर्थ एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, 7 इज ग्रेटर देन 5 तो इन्हें भी स्वैप कर देंगे। अब देख सकते हैं कि हमने सेकंड आइट्रेशन परफॉर्म की है फर्स्ट एलिमेंट से फोर्थ एलिमेंट पर क्योंकि ये एलिमेंट्स अनसॉर्टेड थे। अब इन अनसॉर्टेड एलिमेंट्स में से लार्जेस्ट नंबर है 7, तो सेकंड आइट्रेशन परफॉर्म करने के बाद 7 अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गया है क्योंकि 7 को फोर्थ पोजीशन पे ही होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि सेकंड आइट्रेशन परफॉर्म करने के बाद एक और एलिमेंट अपनी करेक्ट प्लेस पे आ गया है। तो नेक्स्ट थर्ड आइट्रेशन में हम फर्स्ट एलिमेंट से थर्ड एलिमेंट तक कंपेयर करेंगे, फोर्थ एलिमेंट को कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। थर्ड आइट्रेशन में अगेन फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, 4 इज ग्रेटर देन 1 तो इन्हें स्वैप कर देंगे। नेक्स्ट सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, 4 इज लेस देन 5 तो ये एलिमेंट स्वैप नहीं होंगे। तो थर्ड आइट्रेशन हमने परफॉर्म किया फर्स्ट से थर्ड एलिमेंट पर और इन एलिमेंट्स में से लार्जेस्ट नंबर है 5। तो आप देख सकते हैं कि थर्ड आइट्रेशन परफॉर्म करने के बाद 5 अपनी करेक्ट प्लेस पे है। तो नेक्स्ट फोर्थ आइट्रेशन में हम थर्ड एलिमेंट को कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, जस्ट फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। तो अब फर्स्ट एलिमेंट है 1 और सेकंड एलिमेंट है 4, 1 इज लेस देन 4 तो ये एलिमेंट स्वैप नहीं होंगे। तो फोर्थ आइट्रेशन हमने परफॉर्म किया फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट पे और इन एलिमेंट्स में से लार्जेस्ट नंबर है 4। तो फोर्थ आइट्रेशन परफॉर्म करने के बाद अब देख सकते हैं कि 4 भी अपनी करेक्ट प्लेस पे है। तो नेक्स्ट आइट्रेशन में हम सेकंड एलिमेंट को कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो अब पीछे बचा है फर्स्ट एलिमेंट। तो अगर पीछे एक एलिमेंट बचे और बाकी सारे एलिमेंट सॉर्टेड हैं तो डेफिनेटली वो एक एलिमेंट अपनी करेक्ट प्लेस पे ही होगा और आप देख सकते हैं कि 1 अपनी करेक्ट प्लेस पे ही है। तो इट मींस कि हम फिफ्थ आइट्रेशन परफॉर्म नहीं करेंगे और वैसे भी एलिमेंट्स को कंपेयर करने के लिए दो एलिमेंट्स का होना जरूरी होता है। तो अब आप ऑब्जर्व करें कि इस रे में 5 एलिमेंट्स थे और इन एलिमेंट्स को सॉर्ट करने के लिए हमने इस रे पे 4 आइट्रेशन परफॉर्म किए हैं। इसी तरह अगर एक रे में 7 एलिमेंट्स हैं तो इन एलिमेंट
इटरेशंस को सॉर्ट करने के लिए अरे पे मैक्सिमम 6 इटरेशंस परफॉर्म होंगी, क्योंकि जब भी हम अरे पे इटरेशन परफॉर्म करते हैं तो अरे का एक एलिमेंट अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ जाता है और लास्ट में सिंगल एलिमेंट बचता है जो कि अपनी करेक्ट पोजीशन पे होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि अगर एक अरे पे मैक्सिमम 4 इटरेशंस परफॉर्म होनी है तो 4 इटरेशंस परफॉर्म करने के बाद ही अरे के एलिमेंट सॉर्ट होंगे, बल्कि पहले भी अरे के एलिमेंट सॉर्ट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें कि 3rd इटरेशन परफॉर्म करने के बाद ही अरे के सारे एलिमेंट सॉर्ट हो गए थे, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए 4th इटरेशन परफॉर्म की है। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बबल सॉर्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि बबल सॉर्ट क्या है, बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम क्या होता है और ये एल्गोरिदम किस तरह से वर्क करता है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इस एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट किस तरह से करते हैं, इस एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या प्रोग्राम एंटर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे।